बहाना, कभी दादर का बहाना, हमेशा बहाना। लेकिन एक दिन करीब हमें 8-9 दिन बहाने किए, लेकिन दसवां दिन हमारे पिताजी ने हमको जबरदस्ती वहां पे भेजा कि नहीं जाओ, एक दिन तुम अच्छे से पढ़ कर दे। वहां पे मैं सदाकार मैंने हमको बताया कि क्यों आना चाहिए, पढ़ना अच्छा है, पढ़ो। तो फिर मैंने रेगुलर किया और रेगुलर किया तो आज तक मैं वहां पहुंच टिकी हुई हूँ। क्योंकि शुरू शुरू में हमें कुछ भी नहीं पता था, साधना क्या होता है, हवन कैसे करना चाहिए, कैसे हम रह सकते हैं, कैसे होमवर्क बनाना चाहिए, यहाँ तक कि हमारी राइटिंग कैसे लिखना चाहिए वो भी हमें पता नहीं था। सारा हम जितना भी यहाँ तक हम पहुंचे हैं वो सब संस्कार शाला की बदौलत पहुंचे। और साधना, साधना हम करीब 2010-2009 से शुरू किए करना, 2007 में हम जुड़े संस्कार शाला, लेकिन साधना हम 2009 से शुरू करना चालू किए। क्योंकि साधना को समझने में बहुत टाइम लगा हमें। पहले कहते थे कि भैया कि साधना करो, मन नहीं लगता है फिर भी करो। मन ही नहीं लगता तो कैसे करेंगे, बस बैठ सकते हैं और क्या। लेकिन 2009, 10, 11, 12 और आज 13 आज तक हम साधना कर रहे हैं और साधना में मन भी लगने लगा है। कोई ऐसा एक दिन होता है जिस दिन संतुलन बिगड़ जाता है, मन नहीं लगता है, तो उससे साधना नहीं करना तो ये तो गलत बात है। साधना हम रोज करते हैं और सुबह में करते हैं और अच्छा लगता है साधना करना। साधना अगर हम नहीं करें तो अब लगता है कि साधना बिना सुबह कर उपासना हुआ हो, तो उपासना बिना दिन भर का जो साधना होता है वो अधूरा रहता है। तो अच्छा लगता है साधना करना। और 2007, 2008, 2009, 10, 11 ये 4-5 साल में साधना का जो मूल्य है वो संस्कार शाला में हमारे भाइयों ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया और वहाँ के बच्चों को भी। हम यहाँ पे आपको तो बता सकते हैं कि साधना है, साधना क्या है और वो सभी बता सकते हैं। और यहाँ पे तो मनीष ने आपको, मनीष ने द्वारा आपको बताया ही जाता होगा कि कैसे साधना करना चाहिए। आज तक तो हम कभी सुने नहीं है कि मनीष ने किस तरह बोलते हैं, किस तरह नहीं बोलते हैं, मौका ही नहीं मिला सुनने का। तो हम निवेदन करेंगे मनीष दा से कि वो कभी हमारे संस्कार शाला आए और हम लोग को उनकी बातें सुनने का मौका मिले। कभी हमारे संस्कार शाला आते हैं लेकिन हम लोग से बात नहीं कर पाते, बस प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि वो हमारे संस्कार शाला में आके हमसे दो बात करें। और रही साधना की बात, तो साधना करना अच्छी बात है और साधना में मन नहीं लगता है तो मन लगाने से लगेगा। हमारी एक बुरी आदत है, हम बच्चे से ही बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, तो चाय पीने से लेकिन उससे कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन अब उसी चाय की वजह से मुझे एक बीमारी हो गई। तो जब भी हम चाय नहीं पीते हैं तो वो बीमारी हमारी ठीक रहती है, लेकिन जब भी हम थोड़ा सा चाय पी लेते हैं तो हमको बीमारी शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है, देखो बुरी आदत है, जब भी तुम बुरी आदत को लोगी तो वो होगा और बुरी आदत को नहीं लोगी तो नहीं होगा। यहाँ पे गुरु और माता जी का विश्वास बहुत ज्यादा झलकता है कि वो बोलते हैं कि चाय पीना गलत बात है, लेकिन फिर भी हम वो काम कर रहे हैं तो गलत बात की सजा भी मिलती है, वही सजा मिल रही है। तो गलत काम कीजिएगा तो सजा उसके अवश्य मिलेगी जरूर। और गलत कोई भी काम करने से पहले हम सोचते हैं ये गलत है या गलत नहीं है या सही है, यहाँ तक कि मैथ बनाने से भी पहले हम सोचते हैं कि क्या ये प्लस है, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, नहीं यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा। हर काम करने से पहले जो साधना करता है उसके भीतर ये गुण होता है कि वो कोई भी काम करने से पहले सोचता जरूर है। यहाँ पे हमें बोलने के लिए बुलाया गया तो हमने सोचा जरूर कि इतनी छोटी हम है, इतने बड़े बड़े भाई के सामने हम क्या बोलेंगे। फिर भैया ने कहा कि नहीं, अपने जीवन के बारे में बोलना है, कैसे हम जीते हैं, हमारा दिन भर का रूटीन क्या है। अभी तो ठंड का समय चल रहा है तो रूटीन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पढ़ाई तो खैर बैठे बैठे हो जाता है, लेकिन और भी काम जो है उसमें थोड़ी मुश्किल हो रही है। और गर्मी के समय में तो फर्स्ट क्लास रहता है रूटीन, एकदम कोई दिक्कत
सुबह में उठना, साधना करना, स्नान करना, उसके बाद स्कूल भी जाना। आप लोगों को तो स्कूल नहीं आना होता होगा, लेकिन जाना, कोचिंग जाना रहता होगा। तो साधना में, साधना सुबह सुबह करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, दोपहर के या सुबह के अलावा सूर्योदय से पहले साधना करना चाहिए। और साधना करने से